नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ दी गला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। वे बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। भारतीय संविधान से शिल्पी अंबेडकर को देश के कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि महान विधिवेता, सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर, भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण एवं समता मूलक समाज की स्थापना हेतु आपके कार्य सभी के लिए महान प्रेरणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर यूपी में विशेष सभा का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। की ओर से भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया। संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है, जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है, यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा, तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को जिले को 198.58 करोड़ रुपए की 69 महापरियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 40 का शिलान्यास शामिल है। सीएम योगी ने साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सीएम ने आज सगड़ी व लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं की। सबसे पहले मुख्यमंत्री सुबह सगड़ी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा को संबोधित किया। यहां 17 परियोजनाओं का लोकार्पण व 15 का शिलान्यास किया गया। जूनियर हाई स्कूल समुद्रपुर परिसर में कार्यक्रम स्थल को सजाया गया। सगड़ी के कार्यक्रम में सीएम योगी ने 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी सब काम सेफई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे, और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोरी घाट से होते हुए जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट 11वीं सदी में जिन्होंने विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौनक कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग काशी प्रारंभ करेंगे, और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी, और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। ये सपना भी साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है, यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी। 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी, और तब मैं गोरखपुर का सांसद था, तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बोलो बेटा, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया,
उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपराधियों का गढ़ बना करके यहां के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था ये पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर। विधानसभा चुनाव अभी 2022 में होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी दलों की चहलकदमी तेज हो चुकी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं। सोमवार को सीएम योगी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों सगड़ी व लालगंज में जनसभा करने के लिए, साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से सौगात देने पहुंचे। सीएम योगी ने आज यहाँ सगड़ी के कार्यक्रम में 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लालगंज पहुंचे। सीएम योगी ने लालगंज में 122.43 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को विधानसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाराबंकी मसौली थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति की हत्या कर दी। हमलावरों ने हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया। व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक व्यक्ति बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग वसंत ने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। घटना मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गाँव के पास की है। यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। सुबह की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में फिर से वापसी की कवायद में जुटी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। योगी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि लखनऊ के बाद वाराणसी प्रदेश की दूसरी राजधानी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का शुभारंभ होना है। खुद प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे और इस दिन को खास बनाने के लिए योगी सरकार के साथ ही अधिकारियों और बीजेपी संगठन ने खासी योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को बीजेपी जन जन तक पहुँचाने का कार्यक्रम बना रही है, लेकिन चुनाव से पहले पूर्वांचल को साधने के लिए योगी सरकार काशी विश्वनाथ धाम में कैबिनेट बैठक कर एक बड़ा संदेश देना चाहती है। इस मीटिंग को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पुलिस अफसर मसौदा तैयार कर रहे हैं। अब तक यूपी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जब पूरी कैबिनेट लखनऊ छोड़कर कहीं किसी मंदिर में पहुंचे और वहां मीटिंग हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों को लेटर लिखकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का आह्वान किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि काशी की भव्यता पार्टी जन जन तक पहुंचाए, कि पीएम ने काशी को लेकर जो सपना देखा था वो किस तरीके से फलीभूत होता नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।